students, today the topic that we are going to discuss is chemical bonding and it is from class 11th. So first of all we will see what is chemical bonding and why the chemical bond formation takes place. But before discussing that, let us see what are the topics that we are going to cover in this chapter. The first topic is chemical bond. That what is chemical bond, how the formation of chemical bond takes place and why the formation of chemical bond takes place. The second topic that we are going to discuss is the types of chemical bond. Like chemical bonds jo hain wo kitne types ke hote hain, hai na? Different types ke ionic bond hota hai, covalent bond hota hai, metallic bond, coordinate bond, aise different types ke chemical bond hote hain. Secondly hum wo cheez discuss karenge. The third topic that we will discuss about the factors affecting, means kya kya factors hain jisse chemical bond ka formation affect hoga, theek hai. So in the last of this chapter we will discuss about the theories, means chemical bond hai uska formation ho raha hai. So uske niche kya kya theories di gayi different scientists ke through, like Vesper theory, okay, or VBT, MOT. So different theories jo ki chemical bonding se related hai hum unke bare mein bhi discuss karne wale hain. So the first of all, what is chemical bonding? Chemical bonding होती क्या है? Chemical bonding के अंदर हम पढ़ेंगे क्या? So in the chemical bonding, we will discuss about the formation of chemical bond. कि chemical bond का formation कैसे होता है? अब chemical bond का formation क्यों होता है? और chemical bond जो है वो कैसे बन रहा है? किन्हीं भी दो ions के बीच में, किन्हीं भी दो atoms के बीच में और किन्हीं भी दो molecules के बीच में फॉर्मेशन ऑफ केमिकल बॉन्ड हम देख सकते हैं. रिलेटेड टू द पीरियोडिक टेबल, मीन्स पीरियोडिक टेबल के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं उनके एटम्स हैं, ठीक है. सो उनके उन्हीं से क्या बन रहे हैं, एटम्स से क्या बन रहे हैं, आयंस बन रहे हैं और एटम्स मिलके ही क्या बना रहे होते हैं, मोलिक्यूल्स होते हैं. अब उनके बीच में कैसे इंटरेक्शंस हो रही हैं और कैसे उनके बीच में केमिकल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा होता है, सो वो सब कुछ हम लोग इस चैप्टर में डिस्कस करने वाले हैं. सो द टर्म बॉन्डिंग, बॉन्डिंग मीन्स कोई भी मीन्स बॉन्डिंग का क्या मतलब होता है कि अगर हम बात करें टू फ्रेंड्स आर देयर, सो उनके बीच में अगर बॉन्डिंग है मीन्स दे कैन शेयर एवरीथिंग, दे कैन शेयर द थिंग्स टूगेदर एंड दे हैव बेटर अंडरस्टैंडिंग बिटवीन दैम, दीज टाइप ऑफ थिंग्स यू कैन सी. सो इन द केमिकल बॉन्ड्स ऑल्सो सेम थिंग्स विल टेक प्लेस. दो एटम जो है वो शेयरिंग करेंगे इलेक्ट्रॉन्स की, दो एक एटम जो है वो दूसरे एटम को इलेक्ट्रॉन दे रहा है, दूसरा एटम जो है वो ले रहा है. सो बॉन्डिंग इज दैट. केमिकल बॉन्डिंग में भी हम ऐसा ही कुछ देखने वाले हैं. सो व्हाट इज केमिकल बॉन्डिंग, फोर्स ऑफ हाउ द केमिकल बॉन्ड इज फॉर्म, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दैट होल्ड्स आयंस एटम्स मोलिक्यूल्स टू फॉर्म केमिकल बॉन्ड. सो केमिकल बॉन्ड होता क्या है कि उस द फोर्स दैट होल्ड्स द टू आयंस और एटम्स टूगेदर, मीन्स केमिकल बॉन्ड की अगर हम जनरल डेफिनेशन देखें, कोई ए एटम है एंड द सेकेंड एटम इज बी, उनके बीच में केमिकल बॉन्ड है. सो हम इस तरीके से रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, ये कोई लाइन नहीं होती. केमिकल बॉन्ड जो है ये कोई एक्चुअल में दो एटम्स के बीच में कोई लाइन नहीं होती, ये जस्ट रिप्रेजेंटेशन का वे होता है. एक्चुअल में क्या है, ए और बी के बीच में जो अट्रैक्शन है उसी को ही हम क्या बोल देते हैं, केमिकल बॉन्ड. सो अगर हम डिस्कस करें कि केमिकल बॉन्डिंग किन्हीं भी दो आयंस के बीच में कैसे होगी, ठीक है. सो हम एग्जांपल ले सकते हैं आयंस के लिए, सबसे बेस्ट एग्जांपल NaCl सबसे कॉमन एग्जांपल है. सो NaCl जो है उसमें दो आयंस हैं, ठीक है. वन इज सोडियम पॉजिटिव आयन एंड द सेकेंड वन इज क्लोरीन नेगेटिव आयन, ठीक है. सो पॉजिटिवली चार्ज आयन जो है उसको क्या बोल रहे होते हैं हम लोग, कैटायन, एंड द नेगेटिवली चार्ज आयन जो है उसमें उसको बोल रहे होते हैं एनायन, ठीक है. सो अगर हम यहाँ पे NaCl का एग्जांपल लेते हैं, Na पॉजिटिव एंड अंदर वन इज Cl नेगेटिव, यहाँ पे सोडियम जो है वो एक कैटायन है, क्लोरीन जो है वो एनायन है. यहाँ दोनों के बीच में जो अट्रैक्शंस होंगी, मीन्स पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज ऑलवेज अट्रैक्ट ईच अदर, एज वी ऑल नो सेम चार्ज रिपेल करते हैं एंड द अपोजिट चार्ज विल अट्रैक्ट ईच अदर. सो Na पॉजिटिव एंड क्लोरीन नेगेटिव विल अट्रैक्ट ईच अदर, अगर इनके बीच में काफी डिस्टेंस भी है तो
उसके बाद इनमें अट्रैक्शन होगी और उसके बाद ये दोनों एटम जो हैं क्लोजर दे विल कम क्लोजर एंड द फॉर्मेशन ऑफ NaCl विल टेक प्लेस. तो NaCl का जो फॉर्मेशन है यहाँ पे हम कभी भी NaCl जो है उसको इस तरीके से शो नहीं कर रहे होते NaOCl के पीछे कोई गोल है. नो, बिकॉज देर इज ओनली अट्रैक्शन बिटवीन द आयंस, ठीक है, जिसे कि हम केमिकल बॉन्ड बोल देते हैं. यहाँ पे इनके बीच में कुछ शेयरिंग भी हुई, कंप्लीट ट्रांसफर हुआ है और कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन होने के बाद Na और Cl के बीच में जस्ट क्या है, अट्रैक्शन है, जिसकी वजह से दोनों आयंस जो है वो एक साथ एग्जिस्ट कर रहे हैं, ठीक है. सो दिस इज द फॉर्मेशन ऑफ केमिकल बॉन्ड विच टेक प्लेस इन द आयंस इन दिस वे. द सेकेंड we will discuss about the formation of chemical bond between the atoms, means how the atoms will contribute in the formation of a chemical bond. So iska hum example le sakte hain, like Cl2, yahan pe jo chlorine hai hamare paas, isme hum dekh sakte hain ki dono atom jo hai wo same hai, means yahan pe koi ions nahi hai, न्यूट्रल एटम्स हैं, फिर भी इनके बीच में कैसे केमिकल बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, इनमें अट्रैक्शंस कैसे एग्जिस्ट करेंगे, हमें वो चीज़ देखनी. दो क्लोरीन एटम के बीच में किस तरीके से केमिकल बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, इसको समझने के लिए हम ऐसे ही दो न्यूट्रल एटम्स को कंसिडर कर सकते हैं. कैसे कंसिडर करेंगे कि एक हमारे पास ए और बी एटम है, इसका न्यूक्लियस एन ए से रिप्रेजेंट किया, इसका न्यूक्लियस को हमने एन बी से रिप्रेजेंट किया, इसके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं इसको हमने रिप्रेजेंट कर दिया ई ए से, एंड जो इसके इलेक्ट्रॉन्स हैं इसको हमने रिप्रेजेंट किया ई बी से. सो न्यूक्लियस इज पॉजिटिवली चार्ज्ड, इसका न्यूक्लियस पॉजिटिवली चार्ज्ड, इलेक्ट्रॉन्स जो हैं इनमें वो नेगेटिवली चार्ज्ड हैं, ठीक है. सो अट्रैक्शंस यहाँ पे देखने को मिलेगी किसमें, इलेक्ट्रॉन्स ऑफ ए एंड न्यूक्लियस ऑफ बी, इन दोनों में क्या अट्रैक्शंस देखने को मिलेगी. अब सेकेंड, न्यूक्लियस ऑफ ए इलेक्ट्रॉन्स ऑफ बी, ये पॉजिटिवली चार्ज है ये नेगेटिवली चार्ज, इनके बीच में भी हमें अट्रैक्शंस देखने को मिलेंगे. दूसरी बात कर रहे हैं रिपल्शन की, तो रिपल्शन की अगर हम देखें तो इलेक्ट्रॉन ऑफ बी एंड इलेक्ट्रॉन ऑफ ए दोनों के इलेक्ट्रॉन्स के बीच में रिपल्शन होंगे, क्योंकि सेम दोनों जो हैं वो सेम चार्ज है ना, नेगेटिवली चार्ज है. उसके बाद दोनों के न्यूक्लियस जो हैं वो पॉजिटिवली चार्ज हैं, सो दोनों के न्यूक्लियस के बीच में भी हमें रिपल्शंस देखने को मिलेगी. तो यहाँ पे अट्रैक्शंस और रिपल्शंस दोनों फैक्टर्स काम कर रहे होते हैं. अगर इनकी डिस्टेंस दोनों एटम्स की बहुत दूर है तो वहाँ पे डोमिनेटिंग रोल जो है वो अट्रैक्शन का होगा, दोनों एटम्स जो है वो एक दूसरे को अट्रैक्ट ही करेंगे, ठीक है. और यहाँ पे ए और बी जो एटम है वो दोनों एटम एक डिस्टेंस तक अट्रैक्ट करते रहेंगे एक दूसरे को, तो इस डिस्टेंस जिस मैक्सिमम डिस्टेंस जो है ये, इसको हम बोल देते हैं कि ए और बी यहाँ तक अट्रैक्ट कर रहे हैं. तो ये अट्रैक्शन हमने देख ली, तो यहाँ पे जो फॉर्मेशन ऑफ केमिकल बॉन्ड ए और बी में इस अट्रैक्शन की वजह से हो जाएगा. तो ए और बी का जो न्यूक्लियस है दोनों एटम्स का, इनके जो बीच की जो डिस्टेंस होती है इसको ही हम क्या बोल देते हैं, बॉन्ड लेंथ. सो ए और बी एटम दोनों एटम्स के न्यूक्लियस के बीच की डिस्टेंस को हम बोलेंगे बॉन्ड लेंथ, ठीक है. अब यहाँ तक ये दोनों एटम्स जो हैं एक दूसरे को अट्रैक्ट करते थे, लेकिन अगर इस बॉन्ड, इसी को हमने बोल दिया बॉन्ड लेंथ, अगर इससे ज़्यादा क्लोजर दोनों एटम्स आ रहे हैं तो यहाँ पे फिर रिपल्शन फैक्टर्स जो है वो काम करेंगे और जो इलेक्ट्रॉन्स और न्यूक्लियस के बीच में रिपल्शन हमें देखने को मिलेगा अगर इस डिस्टेंस के क्लोज अगर दोनों एटम्स आ रहे होते हैं तो, ठीक है. सो अगर रिपल्शन देखने को मिलेंगे तो वो दोनों एटम दूर हो जाएंगे. सो इस डिस्टेंस से ज्यादा क्लोज वो दोनों एटम्स एक दूसरे के नहीं आएंगे, ठीक है. सो दिस इज द केस, यहाँ पे एन ए मीन्स ए और बी एटम के बीच में फॉर्मेशन हो गई बॉन्ड की, केमिकल बॉन्ड का फॉर्मेशन हमने देख लिया, ठीक है. सो अगर हम क्लोरीन का एग्जांपल ले तो क्लोरीन का जो एक एटम है उसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7, ठीक है, ये आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स हैं. इसी तरह दूसरे जो क्लोरीन एटम है इसमें भी आउटर मोस्ट जो इसकी शेल होगी उसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 7 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ठीक है. तो यहाँ से इनमें क्या होगा, शेयरिंग करेंगे क्लोरीन, दोनों एटम्स को क्या करना है, फॉर्मेशन
वो केमिकल बॉन्ड करना है तो यहाँ पे दोनों के पास सात सात इलेक्ट्रॉन हैं, तो ना तो कोई एक एटम लॉस कर सकता है या गेन करने से इनको दोनों को किसी को कोई प्रॉफिट नहीं होगा, तो यहाँ पे शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमें देखने को मिलेगी। सो एक क्लोरीन एटम जो है वो जो एक क्लोरीन एटम है और जो दूसरा क्लोरीन एटम है दोनों अपना सपोज ये वाला इलेक्ट्रॉन इसने प्रोवाइड किया, इसने अपना एक इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड किया और ये वाले जो दो इलेक्ट्रॉन दोनों के से एक एक आ गए और यहाँ से रिमेनिंग इनके सिक्स सिक्स जो हैं इनके पास है, ठीक है। अब जो दोनों क्लोरीन एटम हैं इनके पास दो इलेक्ट्रॉन इन्होंने शेयर करे हैं, तो अभी देखो जो एक इस वाले क्लोरीन के पास छह इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी थे, दो इसको शेयरिंग वाले दोनों की तरफ काउंट होंगे, ठीक है। तो दो इलेक्ट्रॉन ये हो गए तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट, एट इलेक्ट्रॉन्स हो गए एंड इस वाले क्लोरीन का भी टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है वो एट हो गए। तो इस तरीके से इन्होंने क्या किया है अपने ऑक्टेट को कंप्लीट किया है और फॉर्मेशन ऑफ केमिकल बॉन्ड यहाँ पे हमें देखने को मिला है, ठीक है। तो अभी तक हमने क्या देखा कि केमिकल बॉन्ड जो है वो किन्हीं भी दो आयंस के बीच में बन सकता है, किन्हीं भी दो एटम्स के बीच में बन सकता है, इसी तरीके से हम देख सकते हैं किन्हीं भी दो मॉलिक्यूल्स के बीच में भी केमिकल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो सकता है। लाइक दो अमोनिया के मॉलिक्यूल्स के बीच में हमें वहाँ पे भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग और वंडर वाले इंटरेक्शंस, ये सब जो बॉन्ड है वो मॉलिक्यूल्स के बीच में देखने को मिल सकते हैं, जो कि हम फर्दर नेक्स्ट क्लासेस में डिस्कस करेंगे, ठीक है। सो अभी तक हमने देखा कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जिसकी वजह से दो आयंस, दो एटम्स, दो मॉलिक्यूल्स कोई भी एक दूसरे के साथ जुड़ रहे होते हैं उसको हम क्या बोल रहे होते हैं, केमिकल बॉन्ड बोल रहे होते हैं। अभी केमिकल बॉन्ड बन रहा है, क्यों बन रहा है ये बात भी बिल्कुल क्लियर हो गई है साथ में कि व्हाई द केमिकल बॉन्ड फॉर्म। सो द केमिकल बॉन्ड फॉर्म टू अटेन द नियरेस्ट नोबल गैस कन्फिग्रेशन, ठीक है। अभी नोबल गैसेस क्या होती हैं, नोबल गैसेस जो हैं उनको हम इनर्ट गैसेस भी बोलते हैं। नोबल गैसेस के जो आउटर मोस्ट शेल है उसके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कितने, या तो टू होते हैं या फिर एट होते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर नोबल गैसेस में हम हीलियम की बात करें तो उसके आउटर मोस्ट शेल में दो इलेक्ट्रॉन है ना, उसके अलावा नियोन की बात करें आयरन की तो उनमें क्या होता है, मतलब लास्ट शेल में आठ इलेक्ट्रॉन, उन्होंने अपना ऑक्टेट कंप्लीट करके रखा हुआ है, ठीक है। सो हीलियम अगर कोई किसी के आउटर मोस्ट शेल में दो इलेक्ट्रॉन है देन इट विल बी कॉल्ड अ डबलेट, और अगर किसी की आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन है तो हम बोलेंगे कि इसने अपना ऑक्टेट कंप्लीट किया है। सो नोबल गैसेस जो है वो या तो अपना डबलेट या फिर ऑक्टेट कंप्लीट करके रख रहे होते हैं। सो बाकी जो एटम्स या मॉलिक्यूल्स हैं उनकी भी यही टेंडेंसी होती है कि वो अपना ऑक्टेट या फिर डबलेट को कंप्लीट करें। सो इन दिस वे द फॉर्मेशन ऑफ केमिकल बॉन्ड टेक प्लेस सो दैट द एटम्स और आयंस कैन कंप्लीट देयर ऑक्टेट, ठीक है। सो इस यहाँ तक हमने डिस्कस कर लिया है कि नोबल गैस जैसे कंफिग्रेशन के लिए यहाँ पे फॉर्मेशन ऑफ केमिकल बॉन्ड हो रहा है, जैसे कि हमने NaCl के केस में देखा था कि सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन लॉस करके और क्लोरीन ने अपना एक इलेक्ट्रॉन गेन करके दोनों ने अपने ऑक्टेट कंप्लीट किए थे। इसी तरीके से एटम्स के केस में दोनों क्लोरीन एटम ने शेयरिंग करके अपने ऑक्टेट्स कंप्लीट किए थे। सो दिस इज द टॉपिक एंड इन द नेक्स्ट